नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में तेजस्वी यादव का तूफान, एग्जिट पोल में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए नेस्तानाबूद। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होते ही अलग अलग चैनलों के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। ज्यादातर चैनलों ने बिहार में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। इन सर्वे की माने तो बिहार में त्रिशंकु सरकार बन सकती है। हालांकि सभी एग्जिट पोल के विश्लेषण के आधार पर महा एग्जिट पोल तैयार किया गया है, जिसमें नीतीश सरकार को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। महा एग्जिट पोल में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इसमें महागठबंधन को 137 सीटें, एनडीए को 98 सीटें, एलजेपी को 3 और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही है। हालांकि ये आंकड़े अभी महज पूर्वानुमान है। बिहार चुनाव के अंतिम नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। एमपी उपचुनाव के एग्जिट पोल जारी, सिंधिया ने दिखाया दम, बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश की 28 सीटों के उपचुनाव के नतीजे पर भी सबकी नजर बनी हुई है। इन्हें मध्य प्रदेश के लिए मिनी चुनाव माना जा रहा है। इंडिया टुडे एक्सिम माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक इन उपचुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान है, जिससे शिवराज सिंह सरकार को लेकर जनादेश और मजबूत होने जा रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक 28 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 10 से 12 सीटों पर ही संतोष करना होगा। दरअसल इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो रही है, लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को एक दमदार चेहरा भी इस उपचुनाव में मिल गया है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होने जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का दबदबा बरकरार, विरोधियों का सूपड़ा होगा साफ। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ खाली पड़ी उत्तर प्रदेश की 7 सीटें और गुजरात की 8 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव हुए हैं। इन उपचुनावों का परिणाम बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही 10 नवंबर को सामने आएगा, लेकिन एग्जिट पोल के परिणामों के मुताबिक यूपी के चुनावी सेमीफाइनल में बीजेपी अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी की 7 में से 5 से 6 सीटें अकेले बीजेपी के खाते में नजर आती दिख रही है। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रहे। वहीं अन्य सीटों में से समाजवादी पार्टी को 1 से 2 सीटों पर जीत हासिल होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी को 37% वोट हासिल हुए हैं, जबकि राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को सिर्फ 27% वोट ही मिले हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में गुपकर डिक्लेरेशन के नेताओं ने किया DDC चुनाव लड़ने का ऐलान। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के समूह पीपुल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन ने आगामी DDC चुनाव यानी के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में हिस्सा लेने का फैसला किया है। डिक्लेरेशन के नेता सज्जाद लोन ने कहा है कि हमने राज्य के सिविल सोसाइटी के लोगों, SC ST और गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की है। सभी लोग 5 अगस्त के फैसले से दुखी हैं, लिहाजा हमने आगामी DDC चुनाव साझे रूप से लड़ने का फैसला किया है। इस घोषणा के समय सज्जाद लोन के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, PDP नेता महबूबा मुफ्ती के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पहले इन नेताओं ने जम्मू कश्मीर में किसी भी चुनावी गतिविधि में हिस्सा लेने से मना किया था, लेकिन अब उनके रुख में बदलाव आया है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयुक्त KK शर्मा ने 20 जिलों में जिला विकास परिषदों के लिए चुनाव और पंचायतों के उपचुनाव के लिए पहली अधिसूचना जारी की है। DDC चुनाव 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक 8 चरणों में होंगे। यह चुनाव पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के निरस्त होने के बाद पहली बड़ी राजनीतिक गतिविधि है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। फटाकों पर बैन के बाद दुकानों पर लटके ताले, खाली बैठे नजर आए दुकानदार।
जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में फटाकों के बैन पर पहले दिन जमा मस्जिद से लेकर सदर बाजार तक फटाकों की होलसेल और रिटेल दुकानों पर ताले लटके हुए नजर आए। दुकानों में काम करने वाला स्टाफ और दुकानदार दोनों ही खाली बैठे नजर आए। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। जमा मस्जिद इलाके में सिर्फ वही दुकानें खुली हुई थी जो फटाकों की नहीं है। वही मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद काम की तलाश में आए थे, लेकिन यहाँ फटाकों पर पाबंदी लग गई। दिल्ली में 7 नवंबर से 30 नवंबर तक सभी तरह के फटाकों की खरीद फरोख्त और जलाए जाने पर पाबंदी रहेगी। अब रविवार को फटाका दुकानदार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में फटाका बैन पर भड़के कपिल मिश्रा, कहा हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध बन गया है फैशन। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को बढ़ावे से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के मौके पर 7 नवंबर से 30 नवंबर तक फटाकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार के इस फैसले पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने हमला बोला और सवाल उठाया है कि केजरीवाल ने प्रदूषण को कम करने के लिए और क्या क्या किया है। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया है, क्या हर साल दिवाली पर फटाकों को बैन करना उचित है? दिल्ली में आज तो फटाके नहीं जल रहे हैं तो प्रदूषण का स्तर आज खराब क्यों है? करवा चौथ के दिन चांद देखने के लिए एक एक घंटे जद्दोजहद करनी पड़ी और प्रदूषण अपने चरम पर था, लेकिन तब तो फटाके नहीं जल रहे थे। इसके आगे दोस्तों कपिल मिश्रा ने कहा है कि मुझे लगता है कि सरकार को हिंदू धर्म के त्योहारों पर बैन लगाना आता है। क्या कभी सरकार इस पर ऑर्डर दे सकती है कि ईद कैसे मनाई जाएगी और क्रिसमस कैसे मनाई जाएगी, लेकिन दिवाली कैसे मनाई जाएगी, यह ऑर्डर देने में सरकार को बड़ा मजा आता है। उन्होंने कहा, यह फैशन बन गया है, हिंदुओं का कोई त्योहार आए तो उस पर प्रतिबंध लगा दो। दिवाली पर फटाके बंद कर दो, होली पर पानी की कमी कर दो, जन्माष्टमी पर दही हांडी का मजाक उड़ाना शुरू कर दो। दुनिया के किसी भी देश में कोई सरकार या कोर्ट त्योहार कैसे मनाया जाए इसका ऑर्डर नहीं देते हैं। तो दोस्तों क्या आप भी कपिल मिश्रा की बातों से सहमत हैं? तो कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। CBSE के छात्र हो जाएं सावधान, 10th और 12th के एग्जाम शेड्यूल में हो सकता है बदलाव। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम 2021 से पहले कंडक्ट कर सकती है। दरअसल बोर्ड के ऐसे करने के पीछे का कारण नीट JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीट और JEE जैसी परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए बोर्ड 2021 से पहले ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं करा सकता है। हालांकि अभी तक इस संबंध में बोर्ड की ओर से किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों का दावा है कि CBSE ने 2021 से पहले 10वीं और 12वीं के एग्जाम कंडक्ट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड की ओर से उम्मीदवारों की सूची और परीक्षा फॉर्म की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। CBSE से संबंध तमाम स्कूलों की क्लासरूम में पाठ्यक्रमों को समय पर पूरा करने की तैयारी जारी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। देश में महामारी ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए इतने हजार नए केस। जी हाँ दोस्तों, देश में कुछ दिनों तक कोरोना के मामले घटने के बाद अचानक फिर से संक्रमण के मामलों में उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में देश में इस महामारी के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 577 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान इस संक्रमण से 50,356 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 84,62,080 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 577 लोगों की मौत के साथ ही कुल मृतकों की संख्या भी बढ़कर 125,562 पर पहुँच गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अर्णव की गिरफ्तारी पर कंगना का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रधान संस्थापक अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रानौत ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। कंगना रानौत ने ट्वीट कर लिखा है कि यह लड़ाई सिर्फ अर्णव की या मेरी नहीं है, यह लड़ाई सभ्यता की है। इससे पहले भी गोस्वामी की गिरफ्तारी पर कंगना ने नाराजगी जताते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ फिर मोर्चा खोला था। कंगना ने ट्वीट पर वीडियो शेयर कर महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि आखिर कितने लोगों के गले दबाए जाएंगे,
कितनों के घर तोड़े जाएंगे। अर्णब गोस्वामी के घर जाकर मुंबई पुलिस ने जिस तरह से उन्हें पीटा, अभद्र व्यवहार किया, वह निंदनीय कृत्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों, आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के एक मामले में बुधवार को गिरफ्तारी के बाद से अर्णब गोस्वामी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। दूसरी तरफ अर्णब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस पर अपने और परिवार के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत बनेगा वैश्विक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। नितिन गडकरी ने की ऑटो इंडस्ट्री से बड़ी अपील। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार अगले 5 वर्षों में भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार इस उद्योग को समर्थन देने के लिए पहले से ही नीतियां बना रही है। फिक्की कर्नाटक स्टेट काउंसिल की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2020 को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, भविष्य बहुत उज्जवल है और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को पहले ही बढ़ावा देने में लगी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जिससे पहले ही काम में जुटे बाइडेन, कोरोना अर्थव्यवस्था पर बना रहे हैं एक्शन प्लान। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन रेस में आगे चल रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन बाइडेन अभी से ही काम में जुट गए हैं और कोरोना वायरस से बचाव के अलावा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक्शन प्लान बना रहे हैं। जो बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि हमने पहले ही काम शुरू कर दिया है, हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। देश में इस महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और हम पहले दिन से इस महामारी के लिए योजना को निष्पादित करना शुरू कर देंगे। हम हर संभव लोगों की जिंदगी को बचाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए भी योजना बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। MSP पर खरीफ फसलों की बंपर खरीद, 20 लाख से अधिक किसानों को मिला सीधा फायदा। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन जारी है। इससे पंजाब के लिए और पंजाब से होकर जाने वाली ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से ठप पड़ा है। वहीं प्रदेश में किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की जबरदस्त खरीद की जा रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 के लिए पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में धान की खरीद बहुत अच्छी चल रही है। अब तक कुल 243.13 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं केरल, रायलसीमा, दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं शेष भारत में मौसम शुष्क रहेगा और दिन में धूप बनी रहेगी। उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने के आसार हैं। दिल्ली प्रदूषण गंभीर स्थिति में बना रहेगा। उत्तरी मैदानी इलाकों के अधिकांश शहरों में वायु गुणवत्ता खराब बनी रहेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 81.06 रुपए जबकि डीजल 70.46 रुपए प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों, आज सोने और चांदी के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोने के भाव में 791 रुपए प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी के भाव में 2000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिससे दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 50,926 रुपए से 51,717 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी के भाव में 2147 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे चांदी का भाव 62,431 रुपए से बढ़कर 64,578 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। LIC ने जारी की नई पॉलिसी, हर महीने मिलेंगे 36,000 रुपए, देना होगा एक बार प्रीमियम। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद बीमा कंपनी यानी के LIC ने अपनी एक बेहद पॉपुलर पॉलिसी जीवन अक्षय पॉलिसी को बंद कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर इसे शुरू कर दिया है। LIC जीवन अक्षय पॉलिसी के तहत पॉलिसी धारक को केवल एक बार किस्त देने के बाद जीवन भर पेंशन का लाभ उठाने का मौका मिलता है। जीवन अक्षय पॉलिसी सिंगल प्रीमियम, नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग और पर्सनल एन्यूटी प्लान है। इसमें कम से कम 1 लाख रुपए का निवेश कर पॉलिसी शुरू की जा सकती है। इस पॉलिसी में अधिकतम निवेश की कोई लिमिट तय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस पॉलिसी में कम से कम 1 लाख रुपए का निवेश करता है तो उन्हें 12,000 रुपए सालाना पेंशन मिलेगी।
इसका मतलब है कि एक बार में 1,00,000 रुपए के निवेश पर साल में 12,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं होने की वजह से पॉलिसी धारक इसमें अपनी इच्छा अनुसार कितना भी निवेश कर सकता है। पेंशन की रकम निवेश की रकम पर ही निर्भर करेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन में सिखों को नहीं मिल सका धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा। जनगणना में की गई थी अलग पहचान देने की मांग। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में सिख खुद को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किए जाने की लड़ाई फिलहाल हार गए हैं। लंदन हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि सिख समुदाय को जनगणना में धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा पाने का अधिकार नहीं है। ब्रिटेन में 2021 में होने वाली जनगणना में सिख समुदाय अपने लिए अलग उल्लेख की मांग कर रहा था, लेकिन जब सरकार ने उसकी यह मांग नहीं मानी तो वह कोर्ट में आया था। फैसला सुनाने वाले जस्टिस अखलाक चौधरी की पीठ ने सिख फेडरेशन यूके के प्रमुख अमरीक सिंह गिल की उस मांग को भी खारिज कर दिया है जिसमें आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी। गिल ने कहा है कि जनगणना फॉर्म में सिखों का धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में उल्लेख न होने से उनकी ब्रिटेन में आबादी का पता नहीं चल पाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अमेरिका में बेकाबू हुआ संक्रमण, फ्रांस में भी तेजी, ईरान में नए प्रतिबंधों का ऐलान, पोलैंड में 349 लोगों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में एक बार फिर संक्रमण बेकाबू होता दिख रहा है। शुक्रवार को यहाँ 1,29,606 नए मरीजों का पता चला है। लगातार तीसरे दिन 1,00,000 से अधिक मरीज सामने आए हैं। फ्रांस में भी शुक्रवार को रिकॉर्ड संख्या 60,486 मरीजों का पता चला है। एक दिन पहले 58,046 नए मामले सामने आए थे। यही नहीं, संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए शनिवार को ईरान में नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका के जिन प्रांतों में रिकॉर्ड संख्या में मरीज सामने आए हैं उनमें इलिनॉइस में पहली बार एक ही दिन में 10,000 से अधिक संक्रमित व्यक्तियों का पता चला है। इंडियाना, कंसास, मिनेसोटा, मिसौरी, नेब्रास्का, नॉर्थ इकोटा, आयो और विस्कॉन्सिस में भी मरीज मिले हैं। संक्रमण को रोकने के लिए कुछ शहरों और प्रांतों ने कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि संघीय स्तर पर संक्रमण को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। 17 ऐसे प्रांत हैं जहां पर सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। अमेरिका में लगातार 12वें दिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिवाली पर शाओमी का धांसू ऑफर, सभी फोन पर मिलेगा 70% तक बायबैक। जी हाँ दोस्तों, दिवाली पर देश की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी शाओमी अपने यूजर्स के लिए धांसू ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के तहत कंपनी यूजर्स को पुराने फोन के बदले 70% तक कीमत अदा कर रही है। इस स्कीम की घोषणा शाओमी इंडिया के MD मनु कुमार जैन ने खुद की है। कंपनी ने इस स्कीम को स्मार्ट अपग्रेड नाम दिया है। 3 से 15 महीने पुराने फोन पर लागू होगी यह स्कीम। जी हाँ दोस्तों, शाओमी की स्मार्टफोन अपग्रेड स्कीम 3 महीने से 15 महीने पुराने फोन पर ही लागू होगी। इस स्कीम के तहत आप पुराने MI और Redmi फोन के बदले नया शाओमी फोन खरीद सकते हैं, लेकिन इससे पहले कंपनी आपके फोन की कीमत का अनुमान लगाएगी और नए फोन की कीमत से उसका जो अंतर होगा उसका भुगतान आपको करना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फ्लिपकार्ट पर शुरू हुई LG वेलवेट डुअल स्क्रीन फोन की प्री बुकिंग, मिल रहे हैं बैंक ऑफर। जी हाँ दोस्तों, LG वेलवेट डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन को भारत में फ्लिपकार्ट के जरिए प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इस फोन को देश में पिछले हफ्ते लॉन्च किया गया था। ई कॉमर्स साइट के मुताबिक इसकी रिलीज डेट 12 नवंबर रखी गई है। फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर LG वेलवेट डुअल स्क्रीन को अपने प्लेटफॉर्म पर प्री ऑर्डर के लिए लिस्ट किया है। इस लिस्टिंग में जानकारी दी गई है कि इसकी रिलीज डेट 12 नवंबर है। नए LG वेलवेट सिंगल स्क्रीन की कीमत 36,990 रुपए रखी गई है। वहीं LG वेलवेट डुअल स्क्रीन की कीमत 49,990 रुपए रखी गई थी। फ्लिपकार्ट पर केवल डुअल स्क्रीन वेरिएंट ही को ही लिस्ट किया गया है। वहीं बिना एडिशनल स्क्रीन वाले LG वेलवेट को अभी तक बिक्री के लिए ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराया गया है। LG वेलवेट डुअल स्क्रीन कॉम्बो को ओरोरा सिल्वर और न्यू ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया गया है। खास बात यह है कि फ्लिपकार्ट पर इसके लिए ऑफर भी लिस्ट किए गए हैं। ग्राहकों को अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पर 5,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट, फेडरल बैंक डेबिट कार्ड पर 1,500 रुपए या 10% की छूट और RBL बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर 5,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों इसके बाद आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस शहर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।